एक्चुअली पूनम वॉज अ फ्रेंड फर्स्ट, उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ सोशली, और जब से उन्होंने अपना ज्वेलरी स्टार्ट किया तो एक दो पीसेज ऑलवेज मेरे नाम के लिए बनता था. बट दैट इज़ वॉट इज़ वेरी नाइस अबाउट पूनम कि वो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं. अगर आप एक पीस उनके यहाँ से खरीदेंगे तो अब सब जगह वो नहीं मिलेगा. इट्स वेरी तो मैंने मेरी जैसे पीसेज हैं, जैसे कि अभी ये मैं जो पहनी हुई हूँ ये भी उनका है, आप देखेंगे वो दुकान में नहीं है. तो यू नो एक एक्सक्लूसिविटी प्लस क्वालिटी प्लस अफोर्डेबल प्राइसेस, वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज एवरी वुमन लव्स ज्वेलरी, यू नो, एंड एवरी वुमन सेव्स अ लिटिल टू बाय गुड ज्वेलरी. एंड पूनम की ज्वेलरी ऐसी है दैट शी गिव्स यू क्वालिटी, शी गिव्स यू एक्सक्लूसिविटी, एंड प्लस आई गेस एवरीबॉडी कैन बाय इट. ऐसे कोई मेरे प्रेफरेंसेस नहीं है, बट अ गुड पीस ऑफ ज्वेलरी इज अ गुड पीस ऑफ ज्वेलरी. जी हाँ, मैंने कहा जैसे ये है, ये भी उनका ही बना हुआ है, तो उनके ओपनिंग के लिए आई थी तो इसलिए मैंने उनका ही पीस पहन के आई. फिल्मों में तो मोस्टली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी यूज़ करते हैं क्योंकि इतने रिस्क होते हैं, कहीं गिर जाए, कहीं खो जाए, कहीं गार्डन में शूटिंग करते हैं, पानी सीज में शूटिंग करते हैं, तो अगर ज्वेलरी ड्रॉप हो जाए तो इट्स अ रिस्क यू टेकिंग. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल यूज कॉस्ट्यूम ज्वेलरी फॉर फिल्म्स. मुझे लगता है आई थिंक यू आर अ लिटिल लेट इन द डे, बट आई डोंट नो वेदर आप अवेयर हैं कि उनकी बेटी जो है वो बहुत ही वो इस्टीम्ड डी बियर्स का जो अवार्ड होता है वो उनको मिल चुका है, आपको मालूम है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे है, वो पेरिस में उनको मिला. एंड डी बियर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड्स यू नो एस्टैब्लिशमेंट्स दैट वी हैव. सो गेटिंग अ डी बियर्स अवार्ड फॉर पूनम सोनीज़ डिज़ाइंस, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट, राइट? Thank you. I'll catch you later.